हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ असेंबली फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हाइगेन हाइपोथेसिस, अर्थात हाइगेन नेत्रिकाएं। देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो में हाइगेन नेत्रिका का क्या किया था, इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। उसमें हमने जाना था कि नेत्रिकाएं क्या होती है, हाइगेन नेत्रिका तथा नेत्रिका का क्या इंट्रो किया था हमने ना, उसमें हमने जाना था कि नेत्रिकाएं क्या होती है। नेत्रिका की यदि अपन परिभाषा को रिकॉल करें तो हमने देखा था कि दो या दो से अधिक अभिसारी लेंसों का युग्म, ठीक है, या पेयर बोल सकते हो, ठीक है, जो क्या करता हो, जो कोणीय दृश्य को क्या करता हो, बढ़ाता हो। मतलब जैसे मान लीजिए कि अपन कोई चीज़ को देख रहे हैं तो अपन एंगली फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, दृश्य कोणीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए तथा विपतन को कम करने के लिए दो या दो से अधिक अभिसारी लेंसों का युग्म क्या कहलाया था, नेत्रिकाएं कहलाया था, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था नेत्रिकाओं के कुछ एग्जांपल, जिसमें हमने पढ़ा था रेमस्टन पढ़ा था, हाइगेन पढ़ा था, गाउस पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, केलर पढ़ा था, ठीक है। मतलब इनके नाम के बारे में जाना था, और फिर हमने जाना था किसके बारे में, हाइगेन नेत्रिका का छोटा सा क्या लिया था, एक इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें हमने ये बोला था कि हाइगेन नेत्रिका में दो क्या होते हैं, दो अभिसारी लेंस लगे होते हैं, ठीक है, जिसमें पहला लेंस और दूसरा लेंस दोनों के बीच की दूरी, समझना, बीच की दूरी कितनी होती है, बीच की दूरी होती है d equals to 2f तथा f2 को यदि मैं क्या मान लूँ, f मान लूँ, तो जो f1 है वो किसके बराबर होगा, 3f के बराबर, अर्थात पहले लेंस की फोकस दूरी दूसरे लेंस की फोकस दूरी के क्या होती है, 3 गुना होती है। ये हमने क्या कर लिया था, कल इंट्रो ले लिया था। आज अपन स्टार्ट करते हैं हाइगेन नेत्रिका की वर्किंग क्या होती है, हाइगेन नेत्रिका में डायग्राम कैसे बनता है, हाइगेन नेत्रिका के लिए तुल्य फोकस दूरी क्या होती है, और हाइगेन नेत्रिका गोलीय विपतन और वर्ण विपतन को कैसे दूर करती है। तो आइए आज अपन स्टार्ट करते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइगेन नेत्रिका। ये एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट, इसलिए हाइगेन नेत्रिका के अपन दो वीडियो बनाएंगे, आज वाला वीडियो और एक नेक्स्ट वीडियो, उसको मिला के अपन क्या करेंगे, हाइगेन नेत्रिका को कंप्लीट करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आओ, कैसा भी क्वेश्चन आओ, अपन उसको अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो वापस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ रहे हैं अपन रचना। तो रचना में मतलब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, तो फॉर्मेशन करने के लिए जो अपन पहले वाली लेंस है उसकी फोकस दूरी 3 गुनी किसके रेस्पेक्ट में, दूसरे वाले लेंस के, मतलब इसकी यदि एफ है तो पहले वाले की कितनी होनी चाहिए, 3f, क्लियर है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है स्मॉल डी, उसका मान कितना होना चाहिए, 2f के बराबर। तो ये जो फॉर्मेशन कोई भी नेत्रिका फॉर्म करेगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हाइगेन्स हाइपोथेसिस। क्या कहलाएगी, हाइगेन हाइपोथेसिस, अर्थात हाइगेन नेत्रिका, ठीक है। हमने पढ़ी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बाद अब अपन पढ़ते हैं कि हाइगेन नेत्रिका गोलीय और वर्ण विपतन को कैसे कम करती है, ठीक है। तो गोलीय विपतन को कम करने के लिए आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, वो आप ध्यान रखना कि कभी भी आपको गोलीय विपतन को कम करना है तो आप दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है, दोनों लेंसों के जो बीच की दूरी है वो उनकी फोकस दूरियों के अंतर के क्या ले लीजिए, बराबर ले लीजिए। दैट मीन्स ये हुआ फोकस दूरियों का अंतर, मतलब पहले की फोकस दूरी 3f, दूसरे की f, तो बची कितनी, 2f, अर्थात हाइगेन नेत्रिका के बीच की दूरी आप कितनी रख लो, 2f, तो जो हाइगेन नेत्रिका होगी वो गोलीय विपतन को क्या कर देगी, कम कर देगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, गोलीय विपतन तो कम हो गया, अब वर्ण विपतन को अपन कैसे कम करेंगे, तो वर्ण विपतन को दूर करने के लिए दोनों नेत्रिकाओं के जो बीच की दूरी है वो दोनों फोकस दूरियों के, ये लीजिए, मतलब अंतर के बराबर लेते हैं, माध्य के बराबर लेते हैं, f और 3f और f कितना हो गया, 4f, 1 बोल दीजिए, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2, तो 2 से 2 क्या कर दीजिए, डिवाइड, तो वापस आ जाएगा कितना, 2f, वापस आ जाएगा कितना, 2f। तो हाइगेन नेत्रिका वर्ण विपतन को भी क्या करती है, कम करती है, क्योंकि हमने वर्ण विपतन को कम करने की कंडीशन जो क्या होती है, माध्य के बराबर, अर्थात दोनों फोकस दूरियों के माध्य के बराबर होती है, वो ले लिया। गोलीय विपतन, गोलीय विपतन क्या होता है, d = 3f - f, अर्थात दोनों फोकस दूरियों के अंतर के बराबर। तो गोलीय विपतन और वर्ण विपतन को हमने क्या कर लिया, कम कर लिया। उसके बाद अब अपन स्टडी करते हैं किसकी, डायग्राम की। तो जो हाइगेन नेत्रिका का डायग्राम होता है, तो
उसको समझने से पहले मैं आपको सिंपल नेत्रिका का क्या बना के बताऊंगा डायग्राम, ताकि आप इसको समझ सको, ठीक है। देखिए नेत्रिका का डायग्राम कल हमने स्टडी किया था, समथिंग लाइक दैट, कुछ कुछ ऐसा होता है ना, इसमें दो लेंस लगे होते हैं ऐसे, ठीक है भाई, ये लीजिए लगा दिए। तो यहाँ पे ये L1 बोला था हमने, इसको बोला था कितना, L2 बोला था, और ये कौन सा था, ये था अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस। ये क्या था, अभिक्षेत्र लेंस। ये क्या था, अभिक्षेत्र लेंस। और ये कौन सा था, नेत्र लेंस। कौन सा था, नेत्र लेंस, अर्थात वह लेंस जो आंखों के क्या हो, पास हो, ठीक है। तो देखिए L1 L2 बोर्ड पे बने हुए, L1 L2 बॉडी पे बने हुए, ये किरणें यहाँ से आ रही है, दैट मीन्स सच में कहाँ से आ रही है, इस अभिदृश्यक लेंस से आ रही है। ये जो किरणें, ये आपको किताब में तो नहीं, मैं बता देता हूँ कि ये जो आ रही है वो एक्चुअल में कहाँ पे, कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, मतलब अभिदृश्यक लेंस से आ रही है। किस पर आ रही है, L1 पर आ रही है, ठीक है, किस पर आ रही है, L1 पर आ रही है। तो L1 के लिए इन अभिदृश्यक लेंसों का जो बिंब है, समझ रहे हो, कहाँ पे बना हुआ दिखाई देगा, इस I2 पे, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। देखिए ये अभिदृश्यक लेंस, ये होता है अभिक्षेत्र, और जो आंखों के पास होता है वो क्या होता है, नेत्र लेंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो किरणें आ रही है वो कहाँ से आ रही है, अभिदृश्यक लेंस से आ रही है। ये क्या हो गए, L1 और L2 दो क्या हो गए, लेंस हो गए। अब बताइए यदि इन दोनों किरणों के सामने मैं यदि L1 रख दूँ तो ये कहाँ से पास आउट हो रही है, ये हालांकि ध्रुव से पास हो रही है पर फिर भी क्या होगी, मुड़ जाएगी। क्यों मुड़ जाएगी, वर्ण विपतन की वजह से, और ये यहाँ से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, तो ये दोनों आगे चली जाएगी। मान लीजिए कि यदि ये विपतन नहीं होता तो ये दोनों किरणें कहाँ पर आती हुई मिलती, इस जगह पे, मान लीजिए किस जगह पे, एट दिस पॉइंट पे, है ना। तो जो इमेज फॉर्म होती, प्रतिबिंब बनता, ये इसके लिए किसका, L1 के लिए किसका काम करेगा, बिंब का, समझ रहे हो, अर्थात अभिदृश्यक लेंस का जो प्रतिबिंब है वो L1 के लिए किसका काम करेगा, बिंब का, और इस बिंब का प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, I2 पे बन रहा है। और I2 कौन सा पॉइंट है, I2 पॉइंट है L2 का फोकस बिंदु, L2 का क्या है, फोकस बिंदु। देखिए मैंने बहुत सारी बातें एक साथ बता दी, अब मैं इन सबको सेपरेट करके बताता हूँ। पहली बात तो ये नेत्रिकाओं का डायग्राम, इसमें अपन क्या बोलते हैं कि एक तो क्या होता है, अभिदृश्यक, अभिक्षेत्र और नेत्र लेंस, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये किरणें यहाँ से आ रही है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये लेंस है, ये कोई इमेज तो बनाएगा ना, तो वो जो इमेज बनाएगा, यदि ये लेंस नहीं होती तो वो इमेज कहाँ पे बनती, यहाँ पे। तो मतलब ये जो इमेज है इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का, बिंब का। और इस बिंब का प्रतिबिंब देखो कहाँ पे बन रहा है, I2 पे बन रहा है, समझ पा रहे हो। इसका मतलब ये हुआ अभिक्षेत्र लेंस का जो प्रतिबिंब होगा वो L1 के लिए किसका काम करेगा, बिंब का काम करेगा। और इस बिंब का प्रतिबिंब स्टूडेंट, L1 का जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे बना रहा है प्रतिबिंब, I2 पे, ठीक है। I2 कौन सा बिंदु है, I2 L2 का कौन सा बिंदु है, फोकस बिंदु है। और आप जानते हो कि L2 के लिए I2 का इमेज किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। और इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अनंत पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है वो L2 के फोकस बिंदु पे बन रहा है। और अपन जानते हैं यदि हमारा बिंब कहाँ पर हो, फोकस बिंदु पे हो, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। तो यहाँ पर जो अनंत पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, वो किसकी वजह से बन रहा है, कि यहाँ पे जो बिंब है वो कहाँ पर है, फोकस बिंदु पे है। यहीं से अपन पढ़ लेंगे इसकी क्या, वर्किंग प्रोसेस, अर्थात कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली क्या कहती है, कि अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू क्या होता है, 1/F, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब है, ठीक है, प्रतिबिंब है यहाँ पे, वी कहाँ पे है, फोकस दूरी पे, तो वी बराबर तो कितना ले लिया हमने, एफ ले लिया, ठीक है। और F1 बराबर क्या है, 3F, तो यहाँ पे रखेंगे तो वी की जगह तो अपन क्या रखेंगे, एफ माइनस 1/U बराबर कितना हो जाएगा, 3F। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 1/U आ जाएगा, इसको अपन सोल्व करके देख लेंगे, शायद 3/2F ऐसा कुछ, ये वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है, ये वैल्यू चेंज हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, कि यदि हमारा बिंब
इस इतनी जगह पे होगा तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। तो अनंत पे बनने के लिए प्रतिबिंब की कंडीशन क्या हो गई, ये वाली कि हमारा जो इमेज है वो कहाँ पे होना चाहिए, इस दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं तुल्य फोकस दूरी की। तुल्य फोकस दूरी की, तो तुल्य फोकस दूरी के लिए अपन फॉर्मूला जानते हैं, वन अपॉन एफ इक्वल्स टू क्या होता है, वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू, मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस डी एफ वन एफ टू। तो यहाँ से अपन तुल्य फोकस दूरी निकालें तो कितना हो जाएगा, अपन जानते हैं एफ वन बराबर स्टूडेंट थ्री एफ और एफ टू बराबर कितना होता है एफ। तो यहाँ से जब अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन थ्री एफ प्लस वन अपॉन एफ माइनस डी कितना है टू एफ और ये कितना हो जाएगा थ्री एफ इंटू एफ। तो ये क्या हो जाएगा थ्री एफ स्क्वायर, थ्री एफ इंटू एफ थ्री एफ स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो टोटल देख लीजिए कितना आ जाएगा, थ्री एफ मान लीजिए कि हमने एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा वन प्लस थ्री, वन प्लस थ्री और माइनस कितना हो जाएगा टू, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो जीरो हो गया, नहीं जीरो तीन और चार, सॉरी चार माइनस दो बटे तीन एफ, ये क्या आ जाएगी तुल्य फोकस दूरी, अर्थात वन अपॉन एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी दो बटे तीन एफ। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और कि हाइगेन नेत्रिका वो क्या कहलाती है, ऋणात्मक नेत्रिका भी कहलाती है। क्यों, क्योंकि यह काल्पनिक बिंब का क्या बनाती है, आवर्धन करती है। हाइगेन नेत्रिका को डेढ़ नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइगेन नेत्रिका को ऋणात्मक नेत्रिका क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि वह उस ऑब्जेक्ट का क्या करती है, आवर्धन करती है, जो क्या है काल्पनिक है। तो काल्पनिक इमेज का आवर्धन करने के लिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन ऋणात्मक नेत्रिका बोलते हैं। तो अभी तक हमने केवल और केवल सिंपल बेसिक पढ़ा है, किसका, हाइगेन नेत्रिका रचना, गोले विपतन को कैसे कम करता है, फिर डायग्राम, डायग्राम के बाद वर्किंग और वर्किंग के बाद हमने पढ़ा है तुल्य फोकस दूरी और हमने पढ़ा है कौन सा काल्पनिक, जो काल्पनिक नेत्रिका, सॉरी ऋणात्मक नेत्रिका वाला। ठीक है, कल अपन स्टार्ट करेंगे क्रॉस तार की स्थिति तथा इसके जो प्रधान बिंदु है वो कहाँ पर बनते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको समझ आया होगा, फिर भी आपको इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट हो तो आप यूट्यूब पे कमेंट सेशन में कमेंट कर या जो हमारा SMDT का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग, थैंक यू स्टूडेंट।